खुश रहो खुश प्रणाम सर। प्रणाम रहिए सर। खुश रहो प्रणाम सर। खुश रहो। राजू स्मार्ट हो गया पहले से बहुत। राजू मुजफ्फरपुर का है, मुजफ्फरपुर के हैं। नहीं सर, हम मोतिहारी से हैं। मोतिहारी तो बाद में बना ना, पहले मुजफ्फरपुर में सब था। हाँ सर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साक्ष सृजन। प्रणाम सर। बहुत अच्छा मैप लगाए हुए हो, सब सब स्टूडेंट के पीछे में देख रहे हैं, वर्ल्ड का और इंडिया का मैप लगा हुआ है। जी सर। यही पहचान है कि वो कष्ट है, उसको कंप्लीट करना। तुम भी राजू वो मैप लगा लोगे पीछे। ठीक है सर। ब्लू रंग का जो खिड़की है ना, वही साथ नजर पड़ता रहेगा, कहाँ सूडान है, कहाँ पनामा कैनाल है, कहाँ क्या है, ये सब चीज जो है ना खाली समय में देखना चाहिए। हम लोग क्या है कि ग्लोब कोई दे दिया गिफ्ट में, कहा कि आपको और कोई चीज नहीं है, ग्लोब पहले दिए है। और क्या है, ग्लोब तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ना, कौन देखता है ग्लोब। उसको समझ में नहीं आया कि ग्लोब हम इसलिए दिए कि देखेगा बच्चा सब उसको। तो हम लोग वाणिज्य बैंक का अध्ययन किए। वाणिज्य बैंक में सृजन पर बीपीएससी में सवाल आया था, साख सृजन के क्या तरीके हैं, साख सृजन के क्या तरीके हैं। और हम लोग जो फॉर्मूला कहते हैं, कितना लोग बनाए सर, भेजे हैं आपको, एक बार देखिए। तीन पेज तक करके फिर सिर दर्द करने का नहीं आगे की। सर हम पूरा किए हैं, आप देखिए। तीन पेज करते करते मेरा सिर दर्द करने लगा। अच्छा। मेरा भी बहुत टाइम गया उसमें करते करते सर, अंत में टाइम बहुत चला गया है। अंत में वहाँ पहुँच गए ना। जी सर, वहाँ पहुँच गए। मेरा 9500 तक चला गया था, फिर छोड़ दिए के बाद। आप मेरा वाला देखिएगा कितना ज्यादा हुआ है उसका। लेकिन सर अंत में सर लोन भी सर जीरो ही आता है। डेल सीडी 1000, फिर सीआरआर 1000, एक्सेस जीरो, लोन जीरो, एडिशनल डिपॉजिट्स वो 10000। अरे उसको राउंड कर देने पर और फास्ट हो जाएगा। राउंड अगर कर दीजिए तो सब लोग को छोड़ते चले जाइए। उद्देश्य वो नहीं, उद्देश्य है वो बनाने का तरीका सिखाना। नहीं सर, वो तो सीख गए हम। 94 वही हमको सिखाना है। चले गए थे फिर उसके बाद मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टेस्ट था, तो फिर हम उसको तो अब ये नहीं पूछेगी कि भाई 1000 से 900 क्या हुआ, 810 कैसे हुआ। आइए सब श्रेया, क्या नाम है, रेडिम नोट 8 प्रो? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा, नाम है तुम्हारा बहुत डिफरेंट। साक्षी नाम है सर। साक्षी प्रिया। जी सर। हाँ तो अब तुम बना लेती हो ना? जी सर, हम भेज दिए हैं ग्रुप में, अभी मेरा कंप्लीट हुआ थोड़ा देर पहले। कंप्लीट भेज दी हो? जी सर। और कौन कौन भेजा है? तुम्हारा माफ है, कोई बात नहीं। सोनी जो है 99% पहुंच करके सिर में दर्द होने लगे। तुम आनंद सहनी, तुम कितना किए उसमें? सर मेरा
ऑफलाइन क्लास चल रहा 8-8 घंटे का, टाइम नहीं मिल पा रहा। 99.99 कुछ तक आ गया है, कहां तक आया इसका। राजू तू बनाए? अरे एक पेज ही बना पाया सर, पूरा नहीं बन पाया अभी सर। 99 ऐसी से क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से बनाना है अपने से बनाने में क्या, कैलकुलेटर से बनाना है। एक पन्ना तक बनाए हैं अभी, उसके बाद बना रहे हैं सर। बनाना पीछे नहीं रहना है, एक दिन दो दिन जो लगे तो हो जाएगा, तुमको बोलना कि हो गया सर, दिखा दोगे वहीं से, इसे दिखा दोगे। ठीक है, सबके पीछे नियम है कि अगर आप उसका पालन कीजिएगा तो आपको अंत में लाभ आपको ही मिलेगा, बोले नहीं सकते। अब बहुत तो रट्टा लगाता है, 1000 नीचे इतना इतना रट के रट जाएगा, इसको नहीं कंसेप्शन है सर। एग्जाम में पूरा लिखना होगा, एग्जाम में चार स्टेप लिखने के बाद डॉट 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 कर लेंगे, लास्ट में लास्ट आइटम। यही बात हम कह देते, चार स्टेप हम लोग अपने कर लिए थे, आगे चार स्टेप आप किए तो आपको एक्सरसाइज हो गया, फिर फॉर्मूला से हम लोग चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला से चेक किए थे ना? जी सर, 9000 आया था, एग्जैक्ट आ गया 10000। आपको डिटेल में बताए कि इसमें तीन तरह का सवाल है जो आता है। पहला सवाल कि बैलेंस शीट वाणिज्य बैंक का प्रदर्शन, वही आपको टी टेबल बनाना है और बैलेंस शीट में जितना बात लिखे हैं उसी को वर्णन कर। बैलेंस शीट आएगा तो भी यही लिखना है। दूसरा आएगा एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमर्शियल बैंक, तो भी यही बात लिखना है। सेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, इस तरह का सेंटेंस बना के देगा। क्वेश्चन आता है, देखिएगा कमीशन का क्वेश्चन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी आर अपोजिट कंसिडरेशन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी आर अपोजिट कंसिडरेशन। अपोजिट है ना, एक वो आरोही क्रम है, एक अवरोही क्रम है। दोनों अपोजिट क्रम है, दोनों अपोजिट है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, दोनों क्या है, अपोजिट है। क्वेश्चन रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी आर अपोजिट कंसिडरेशन। तो वो बात आप जान गए। आज एक बात आपको बताना चाह रहे हैं जिससे कि ये चैप्टर आपका, कि लिक्विडिटी जो है, प्रॉफिटेबिलिटी तो हम लोग जाने की प्रॉफिट क्या, लिक्विडिटी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। बैंक में तरलता, बैंक में तरलता,
लिक्विडिटी का डिटेल क्या होता है? तो लिक्विडिटी जो है तरलता मतलब 100% नगद, और 100% कैश। तरलता 100% कैश होता है। 100% अगर वो कैश रखेगा, बैंक फेल कर जाएगा। परसेंट कैश रखने पर बैंक क्या हो जाएगा? हंड्रेड परसेंट अगर बैंक कैश लेके बैठा रहे सालों भर, बैंक रहेगा कि फेल हो जाएगा? फेल हो जाएगा सर। इसलिए तरलता का अर्थ हो गया स्टेबिलिटी का मतलब हो गया बैंक से कर्ज लिया और 48 घंटा में वापस कर, इस स्थिति को स्टेबिलिटी का है। ने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी क्या बतलाता है? प्रिंसिपल ऑफ principle of principle of liquidity क्या है? तरलता का मतलब होगा 100% कैश, बैंक फेल कर जाएगा। कहता है कि आपको पालन करना है principle of liquidity। कर्जा देने में आप ऐसा कर्जा दीजिए जल्दी से वो जाए और फिर वापस आ जाए। हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ कर्जा देने में 48 घंटा का कर्जा होता है, इसको बोलते हैं मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। बैंक से कर्ज लिया और 48 घंटा वापस कर दिया, इस स्थिति को शिफ्टेबिलिटी कहेंगे। नब्बे दिनों में ऋण वापसी, नब्बे दिनों में ऋण वापसी हो जाए।
ईएमआई और माह में आवे और माह में बैंक में जमा हो। ये सब इस तरह का तरीका है, बैंक से पैसा निकालने का एक अलग रास्ता है और पैसा आने का भी एक रास्ता है। बैंक में बराबर पैसा आता रहेगा, कहां से आएगा, 48 घंटा वाला जो लौट के आएगा वो आ जाएगा, तो कोई झमेला नहीं। बैंक में 48 घंटा वाला लोन लेने आता है उसको प्रेफरेंस लिया फिर 48 घंटा वापस कर दिया, रुपया बैंक से बाहर निकला, उसमें तरलता का गुण है। इस माध्यम से शिफ्टेबिलिटी के माध्यम से शिफ्ट होकर तुरंत आ जाएगा, बैंक वापस शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्टेबिलिटी कहते हैं। शिफ्टेबिलिटी के गुण के कारण बैंक शिफ्टेबिलिटी के गुण के कारण वाणिज्य बैंक में हर रोज 10 की कमी नहीं होगी। वाणिज्य बैंक को कैश की कमी नहीं होती, मतलब कि आपको 100% रखने का जरूरत नहीं है, 20% बहुत है। कहां दें, इसको प्रेफरेंस करके दें, उसी को हम दें जो वापस हमको कर दे, 40 घंटा वाला वापस कर देगा, 90 दिन वाला वापस कर देगा, तो 2 साल के लिए हुआ है तो हर महीना में ईएमआई चुकाएगा, हर रोज किसी न किसी का ईएमआई पूरा होगा। अब जब भी बैंक में जाइएगा बराबर आपको 10-20-50 आदमी खड़ा मिले, जमा कर रहा है कुछ निकाल रहा है, क्लियर है। इसी को कहा जाएगा शिफ्टेबिलिटी। तो क्या कहेंगे, शिफ्टेबिलिटी, शिफ्टेबिलिटी। हस्तांतरणता हस्तांतरणता एक हाथ से दूसरे हाथ में आने में कम से कम समय लेगा और हस्तांतरण होकर के बैंक में आ जाएगा। हस्तांतरणता का गुण होना चाहिए। किस किसी को भी आप लोन दे रहे हैं उसमें हस्तांतरणता का गुण होना चाहिए। हस्तांतरणता का गुण होना चाहिए। राजू हाँ सर
अरे छिपा के पानी पियो, नजर लग जाएगा ना, बोतल से पानी छिपा के पियो, उसको ऑफ करके पियो, वीडियो ऑफ करके पियो पानी, वीडियो ऑफ करने आता है ना, हाँ तब पानी पी लो तब खोलो। तो कहता है प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी का पहला शर्त क्या है, हस्तांतरणता। 100% लिक्विड तो रख नहीं सकते, बैंक फेल कर जाएगा, है ना। टीचर कौन अच्छा होता है जो स्टूडेंट को ऐसा पढ़ावे कि स्टूडेंट टीचर को पढ़ाने लगे, दोनों में एक रिलेशनशिप हो जाए, एक संबंध हो जाए और समझने लगे, और दोष देना कि वो नहीं कर रहा हूं नहीं कर रहा है, सब करेगा, कोई पूरा कर लिया, कोई 2 दिन में पूरा करेगा, 3 दिन में पूरा करेगा, दिमाग उसको है ना कि उसका प्रतिद्वंदी सब कर रहा है। स्टेबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी। इंटरव्यू में आप गए बीपीएससी, What do you mean by principle of liquidity? तो बोलते हैं कैश रखना। कैश रखना लिक्विडिटी है। What is principle of liquidity? कैश नहीं भी रख रहे हैं तो भी कैश आने जाने का रास्ता बनाओ। है ना, कैश जो है आपको नहीं है लेकिन वो कैश के समान है, तब ना असली बैंक चलेगा, सारा कैश जो है वो दे देगा, बैंक फेल कर जाएगा, 20% कैश रख लेगा रोजमर्रे का लेन देन की, ऐसा कैश देगा कि इसमें हस्तांतरणता का गुण हो, गए आए गए आए गए आए, किसी को हस्तांतरण तक करते। यहाँ क्या है कि बैंक से लोन लिया तो दोबारा वो बैंक का रास्ता और गली में नहीं जाएगा, भागे, बैंक फेल हो या सफल हो उससे उसको मतलब नहीं, ऋण लेके बैठ गया, ऐसा भी आदमी होता है। दूसरा आदमी होता है कि ऋण लिया उसको चुकाया, फिर ऋण लिया चुकाया, व्यापार को बढ़ाया, इस गुण को क्या कहते हैं, शिफ्टेबिलिटी। ऋचा चौहान, शिफ्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ? बैंक से जो कर्ज लिया उसको 48 घंटा में वापस करना है उसी को, और वो जो लेता है फिर 90 दिन में मतलब ऋण वापसी चाहिए उसी को शिफ्टेबिलिटी का, और मंथली लौटाता है, ईएमआई माने हुआ इक्विडेटेड मंथली इनकम, हर माह में चुका दे, हर माह। बैंक खाली हाथ बैठा नहीं रहेगा, कोई ना कोई आके उसको पैसा दे देगा, कोई लेने वाला आएगा, कोई देने वाला आएगा, इस तरह से बैंक चलता रहेगा। स्टेबिलिटी का गुण जैसे ही मालूम हो जाए, बैंक का कैश निकल भी गया तो भी उसको डर नहीं है बैंक फेल करने, तो पैसा जो है 48 घंटा में लौट के आना है, 90 दिन में लौट कर आना है, मंथली ईएमआई आना है, तो इसको शिफ्टेबिलिटी कहते हैं। किसी इंटरव्यू में पूछ दिया कि शिफ्टेबिलिटी का क्या मतलब है, उत्तर होगा कि श्रीमान बैंक अपने कैश में से लोन बांटती है, इस तरह का लोन दे वो तुरंत वापस आ जाए, जैसे 48 घंटे का लोन, 90 दिन का लोन, और अगर 2 साल का लोन है तो मंथली इंस्टॉलमेंट में आ जाए, ईएमआई आ जाए, बराबर बैंक में कैश आता रहेगा, तो उससे बैंक चलता रहेगा, कर्ज भी दिया और आ भी गया, कर्ज भी दिया आ भी गया। तो प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी यह नहीं कहता है 100% कैश बैंक में लॉक करके बैंक फेल कर गया,
स्टूडेंट पढ़ रहा है तो 100% टाइम पढ़ने में मत दीजिए, थोड़ा फ्रेंड से गप कीजिए, थोड़ा टीवी देखिए, थोड़ा मैगजीन देखिए, अखबार देखिए, बातचीत कीजिए, तब पढ़िए। सबका मिक्सचर होगा तो बैलेंस ग्रोथ होगा। दिन रात रूम बंद करके पढ़िए रह पढ़ रहे, ठीक परीक्षा के समय माइंड जो है आपका डिस्टर्ब हो जाए, परीक्षा नहीं दे पाइए, तबियत खराब हो जाए, बैलेंसिंग है। तो यूजफुल ऑफ लिक्विडिटी का अर्थ हुआ वाणिज्य बैंक 100% कैश नहीं रखेगी, 20% कैश रखेगी, बाकी ऐसे एसेट का निर्माण करेगी जिससे कि उसको कैश आता रहे, जैसे 48 घंटे वाला लोन कैश आता रहे, 90 दिन वाला लोन कैश आता रहे, 2 साल का लोन है मंथली इंस्टॉलमेंट आता रहे। दूसरा है शिफ्टेबिलिटी के बाद दूसरा आता है आइटम एक्सचेंजेबिलिटी का मतलब हो गया विनिमय का। विनिमयता का मतलब हुआ था। एक्सचेंजेबिलिटी का मतलब हुआ जब भी आप गिरवी रखते हैं, गिरवी रखते हैं उसको बोला जाता है कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब हो गया जमीन, जायदाद, सोना। बैंक में गिरवी रखकर ऑक्सीजन दिया जाता है।
जमीन जायदाद सोना को बैंक में गिरवी रखकर साख सृजन किया जाता है। जब ऋण वापसी नहीं हुआ, जब ऋण वापसी नहीं होगा तब इसी जमीन को अपना रकम वापस ले। बैंक में इंटरव्यू देने गए या बीपीएससी में इंटरव्यू देने गए, पूछ दिया व्हाट इज कोलैटरल सिक्योरिटी, आप बोलिएगा श्रीमान कोलेक्टरल सिक्योरिटी का अर्थ होता है जमीन जायदाद सोना ये सब बैंक में गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया जाता है। और ये इसलिए रखा जाता है अगर ऋण वापसी करने में फेल कर गया, ऋण वापसी नहीं कर पाया तो पहले तो बार बार चिट्ठी लिखेगा कि ऋण वापसी कीजिए, पहले ऋण वापसी नहीं कर पाया उसको बैंक बेच देगी, बेच कर भी पैसा आएगा उससे करीब वापसी। समझे रिचा जी? सर क्या समझे? कोलेट्रल सिक्योरिटी मतलब होता है कि जमीन जायदाद सोना बैंक बिक्री बैंक गिरवी में गिरवी रख के लोन लिया जाता है। अगर जो आदमी लोन ले रहा है और वो ऋण वापसी नहीं कर सक रहा है तो बैंक वो जमीन जायदाद को बेच के वो अपना रकम वापस ले लेती। अब देखो एक आदमी बैंक वो जमीन दे के लोन ले लिया, और बाद में नहीं चुकाया, बैंक जब उसको बेचने के लिए गई पता चला कुछ जमीन नहीं है, कब्रगाह है, कागज जमा किया था वो किस चीज किस जमीन का था? कब्रगाह का। कब्रगाह का, कब्रगाह भाई जो होगा वो जमीन रहता है ना किसी न किसी, कब्रगाह तो बिकता नहीं है, सरकारी जमीन रहता। इस तरह का घोटाला बहुत होता है। पटना में जो है गांधी मैदान को गिरवी रख दिया कि बहुत अच्छा जमीन है, एक और रिजर्व बैंक है, दूसरी और स्टेट बैंक है, और इसके मेमोरियल है, चौथी और जो है मोना सिनेमा है, तो इन्हें गुजारा है कि गांधी मैदान है। चौहदी से पता चल रहा है ना, गांधी मैदान का चौहदी है ये। जी सर। तब संभव है जब ऑफिसर मिला हुआ, बैंक इंस्पेक्टर अगर मिला हुआ होगा तो कागज पर दस्तखत करके रख दिया, आज न कल भेद खुलेगा। पटना का रेलवे का प्लेटफार्म नंबर 1 उसका कागज को गिरवी रख के लोन ले लिया, जो बता रहे हैं ये सचमुच का घटना पटना में घट चुकी है। और बैंक का नाम है कोऑपरेटिव बैंक, और उस समय में सर आप म्यूट हो गए हैं।
सर आप म्यूट हो गए हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी। जांच करेगा और खेत का जमीन होगा, मकान का जमीन होगा, तो उसको बैंक को बेचना आसान हो, लेकिन आप ऐसे जमीन को गिरवी रख दिए, कागज को पकड़ा भी नहीं, मिली भगत थी, मिल करके बैंक को लूटा। बैंक का नाम क्या था जानती हो? लैंड मॉर्गेज बैंक। बैंक का नाम क्या था? लैंड मॉर्गेज बैंक। लैंड मॉर्गेज बैंक, मॉर्गेज माने गिरवी रखना। लैंड मॉर्गेज बैंक, लैंड मॉर्गेज बैंक, लिख लो ये टर्म, लैंड मॉर्गेज बैंक। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना। मॉर्गेज क्या मतलब होता है? गिरवी रखना। लैंड मॉर्गेज बैंक। साक्षी प्रिया, लैंड मॉर्गेज बैंक का पहला लेटर क्या है? लैंड का पहला लेटर एल, मॉर्गेज का एम, बैंक का बी, शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? LMB। अब हम लोग जब स्टूडेंट थे उस समय कांड हुआ था तो हम लोग हल्ला कर दिए कि लूटो मेरे भाई, LMB। क्लास में टीचर बताया कि इसका फुल फॉर्म क्या है, वो उठ के कहा कि लूटो मेरे भाई, क्या किसी बैंक में गांधी मैदान को गिरवी रख के रुपया निकाल लिया, रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को गिरवी रख के रुपया निकाल लिया, किसी का जमीन है कुछ है दस्तखत किया रुपया निकाल लिया। LMB का मतलब हो गया लूटो मेरे भाई। इतना हंगामा हुआ कि सरकार इसका नाम बदल दी, अब नाम कर दिया लैंड डेवलपमेंट बैंक, LDB। लूटो मेरे भाई जो हुआ हंगामा, तो नाम बदल दिया, LMB के जगह पर हो गया LDB। उसी तरह से परिवार नियोजन जो है फैमिली प्लानिंग जो पावर में था उस समय इंदिरा गांधी की सरकार, उनका बेटा संजय गांधी था, वही MP था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो निकला तो देखा कि बहुत भीड़ है दिल्ली में चांदनी चौक, पूछा कि इतना भीड़ क्यों है? तो समझाने वाला उसको समझाया कि सर पॉपुलेशन बहुत है, कहा कि इसको कम क्या नहीं करते, कहा कि हम लोग नहीं ना कम कर सकते हैं, इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। वो कानून का बना दो, कानून बन गया, कंपल्सरी नस बन गई। और ट्रेन में 1,000 आदमी बिना टिकट पकड़ाया तो उसे बोला कि कितना फाइन देना है, कहा कि फाइन देना नहीं, चलो यहाँ। हाँ, एम्बुलेंस में ले गया, सुता के ऑपरेशन कर दिया, यही फाइन है।
लाख लाख आदमी नसबंदी जबरदस्ती हो गया। और इतना प्रॉब्लम हुआ, लोग डर गया, और जिसका हो गया वो अनमैरिड है, मानी विदाउट टिकट चल रहा है, बिना टिकट का चल रहा है, पकड़ा गया, पकड़ाया तो फाइन नहीं, सीधे नसबंदी। स्थिति क्या हो गई, सारा आदमी जो है सरकार के खिलाफ हो गया, और फैमिली प्लानिंग शब्द से लोगों को घिरना हो गई। इलेक्शन हुआ उसमें इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, इंदिरा गांधी हार गई, और फैमिली प्लानिंग वर्ड जो है इसको हटा दिया गया और उसके जगह वर्ड लाया गया फैमिली वेलफेयर। कहीं भी सरकारी ऑफिस में जाइएगा तो फैमिली प्लानिंग कहीं नहीं लिखा हुआ, निगेटिव वर्ड है, जबरदस्ती नसबंदी कर दिया युवा वर्ग और उस कानून को खत्म किया गया। और अब फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट का नाम क्या हो गया, फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। एक्सचेंजेबिलिटी का मतलब हुआ जमीन जायदाद अगर सही रखिएगा तो बैंक का पैसा बैंक को वापस आ जाएगा, बैंक फेल नहीं होगा। तीसरा आइटम है रिस्कलेसनेस, जोखिम नहीं, जोखिम नहीं होना। रिस्कलेसनेस का है कि बैंक जिस किसी को भी लोन देगी उसको रिस्क है, बैंक जिसको भी रिस्क देगी रिस्क है, लेकिन कम रिस्क किसमें है इसको आप ठोक बजा के दीजिए, कम रिस्क किसमें है कि आप जांच लीजिए कि जमीन का कागज ठीक है कि नहीं, सोना है मान लीजिए, सोना सही नहीं है खोटा है, सही जांच कीजिए, सही जांच कीजिए। रिस्क क्या होगा, कम हो जाएगा, सही सर। अब इन्वेस्टिगेशन होता है, जो यदि कुछ लोन ले रहे हैं और उसके लिए वो पेपर जमा कर रहे हैं तो बैंक वाले देखने आते हैं कि है कि नहीं है सही। हाँ वो ठीक है, वो देखने आते, वो आंख में काला चश्मा पहन के और देखबे ना करे कोई चीज या दस्त कर दे तो जरूर कुछ ना कुछ लिया है। बहुत का लोन लेता है ना मकान बनाने के लिए, प्लिंथ के लिए पैसा देता है, फिर डोर लेवल ले जाने के लिए पैसा देता है, यानी छत डालने के लिए पैसा देता है, देता कि एक बार पैसा देंगे खा नहीं है, खा जाएगा तो फिर ढालेगा नहीं, ढालेगा नहीं तो बनेगा नहीं, बनेगा नहीं तो पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, लौटेगा नहीं, बैड लोन हो जाएगा। पुलिस के तरह चौकन्ना बैंक अफसर भी रहता है, जाता है पूरा उसका घर देखता है, काम होते हुए देखता है। जोखिम अगर नहीं है तो पैसा लौट के आ जाएगा कि नहीं, वही है कि ऐसे स
संपत्ति को गिरवी रखे तो जोखिम नहीं हो, जोखिम नहीं हो तो इस तरह के ऋण की आसान होती है। ऋण की वसूली आसान होती है, आसान होती है। इसी को बोलते हैं जोखिम नहीं होना, जोखिम नहीं होना। ये तीन बातें जो है अगर है तो बैंक को पैसा वापस आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी को प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी का तीन तत्व है, स्टेबिलिटी, एक्सचेंजेबिलिटी, रिस्कलेसनेस, परंतु इनमें का जोखिम रहित हो, जोखिम रहित। जोखिम रहित होना कभी देखोगे जोखिम रखता है। यहाँ मेघालय गए हुए थे स्टूडेंट को लेके पटना कॉलेज से, तो सबको भूख लगी थी, कहा कि सर खाना खाए, होटल था तो उसमें होटल शीशा का दरवाजा लगा हुआ था और लिखा हुआ था चले आइए होटल खुला हुआ है। उसके बाद लाइन नीचे लिखे हुआ था कि गरम गरम पराठा कुकुर के मांस के साथ खाइए। हम बोले कि भाई तो कुकुर का मांस लिख रहा है, मैंने कुत्ता का मांस नहीं सर, वैसे ही पूछा। अंदर गए तो देखे कि कुत्ता सुअर गाय हर तरह का मीट का वहां उपलब्ध है। पूछे कि सब्जी है कि नहीं, बोला कि सब्जी खाने के लिए कौन आता है, बोले कि हम तो कुछ नहीं खाते हैं मां सब्जी। बोला ठीक है आपको सब्जी दे दे, हमको लाया चावल दाल आलू सब्जी। बगल में एक आदमी बैठा हुआ था, बोला कि इतना संसंकित का है तो यहाँ पर जो है एक ही कलछुल है उसी से वो गाय का मांस निकलता है, सुअर का मांस निकलता है, या चिकन निकलता है, या आलू का सब्जी निकलता है। कलछुल देखे गजब कर रहा है, और खाना शुरू हो नहीं किए थे, उठ के गए वहां थोड़ा देर खड़ा रहे थे, देखे ठीक है तीन चार गो बर्तन है जिसमें सामान सब है, कलछुल एक ही है, कभी घुसाया तो चिकन निकला, कभी घुसाया तो मीट निकला, कभी घुसाया तो सुअर निकला, कभी घुसाया कुत्ता निकला, तो जो मांग रहा दे रहा। हमारे लिए आलू एक ही आदमी होते हैं, आलू वाला घुसाया आलू का सब्जी। उसी मन में सोचे कि अब दोबारा ही शहर में आना बेकार, दुकान है
कभी कुछ हुए भी नहीं चावल दाल जोखिम तो है, जोखिम रहित तो नहीं हुआ। कह देते कि हम नहीं कहें हम देंगे, लेकिन आप वेजिटेरियन का अलग चम्मच नहीं रखेंगे, उसको कोई अंतर ही नहीं बुझाता। और अंतर बुझाता तो बाहर खाए नहीं था, गरम गरम पराठा और कुकुर का मांस खाइए, चले आइए होटल पर। शहर में कहीं एक कुत्ता नहीं, मेघालय घूम गए तो कुत्ता है भी, उसका गला में पट्टा लगा हुआ है। हम लोग के मोहल्ला वाला में देखते हैं कुत्ता है, फिर उसका परिवार का है, रिलेटिव है कुत्ता का, हर तरह का कुत्ता है, आठ को झुमट पड़ के बैठा रहेगा। अगर आप नए आदमी है मोहल्ला के लिए, डरे आपको क्रॉस करने में प्रॉब्लम, रिलेटिव उसका जोखिम रहित होना चाहिए। अगर ऐसा है बैंक कभी फेल नहीं करेगा, और यही कारण है वाणिज्य बैंक सारे जगहों पर काम कर रही है, तो पैसा जमा कर रहा है, लोग लोन ले रहा है। इसका उदाहरण छोड़ दीजिए नीरव मोदी या कोई नाम विभाग किया, तो अपवाद है। आमतौर पर बैंक चलता है प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर। ऐसा ठीक से तैयार कर लीजिएगा, कितने तरह से क्वेश्चन आ सकता है हम आपको इसे बताते हैं। अभी सोनी जी सर, थकी थकी लग रही हो, क्या बात है भाई? हमारा इकोनॉमिक्स का समय काट के तुम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दे रही हो, सबको अलॉट कर दो टाइम। नहीं सर, टाइम बात है।